प्यारे भाई और बहनों, विश यू हैप्पी एरोस दीपावली। आपको संस्कार के बारे में हम खूब वीडियो बना चुके हैं और भी बनाने की हर रोज़ जोश के अंदर नए नए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा के लिए सदा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, पीछे रहने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। कमरे को सामने देखकर तो हर कोई मुस्कुराता है, जीने की सही अंदाज का पता तो तब चलता है जब कोई मुसीबत और मुश्किलों में भी मुस्कुराता सीख लेता है, तभी उसका जिंदगी वो हमेशा सफल रह सकता है। यदि किसी ने कोई भी काम भी नहीं किया है और उसने ऐसे ही महापुरुषों के फैमिली में पर्सन ज्यादा हो रहा है तो कुछ काम का इंसान नहीं है। जैसे इंसान और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं रहता है। इंसान नाचता है तो पशु भी मोर नाचता है। यदि इंसान के अंदर सुंदरता है तो पशु के अंदर भी गाय के अंदर बहुत सुंदरता है। उसके अंदर 33,000 देवी देवता रहते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी तरह से जीना चाहिए। यदि इंसान मधुर अच्छी आवाज में गाना भजन भक्ति कर सकता है तो कोई भी अच्छी बोलती हैं। और जैसे इंसान गुस्सा खा करके भौंकता है, उसी तरह कुत्ता भी जब रोड पे कौन भी नया आदमी आता है तो कुत्ते भी भौंकता है। जैसे जैसे इंसान काम करते हैं वैसे वैसे पशु पक्षी भी करते हैं। यदि ऐसे कोई इंसान ऐसे भी हो जाते हैं, उसके बाप के पैसा के लालच में आकर के वो हवा में उड़ता है, वैसे पशु पशु नहीं उड़ते हैं, वहाँ उसी की दायरे में पक्षी भी उड़ते हैं। क्योंकि ज़्यादा अफवाह फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। अपने बाप की कमाई पर कभी भी भरोसा मत कीजिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने आप पर पैसा कमाने की हिम्मत रखिए। जैसी करनी है वैसी भरनी है। चाहे 1,000,00,000 करोड़ पैसा कमा लो, कुछ काम का नहीं है, वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। यदि आपने करोड़ों लाखों अरबों पैसे कमा लिए और बड़े बड़े तिजोरियां भर लिए हैं और आप गवर्नमेंट के साथ में चोरी की है, इनकम टैक्स में पैसा नहीं भरा है, तो चाहे आपने कितना ना भी पैसा कमा लो, वो कुछ काम का नहीं है। उस पैसे के इंसानियत नहीं रखी आपने, ऐसे ही पैसों से तिजोरियां भरी है, तो उसके बदले में आपको कर्म किया है, कर्मों को आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जितना ही कमाए उतना आपको पैसे की जरूरत है। ये वीडियो हम हमेशा जोश के अंदर बनाते हैं और हमेशा हम ये यही सवाल बोलते हैं, जैसी करनी है वैसी भरनी है। जिंदगी ये दोबारा किसी को मिलने वाली नहीं है, ये मेरी बात कौन भी सुनता नहीं है। जब आदमी पत्थर से ठोकर खा करके गिरता है, उसको संभालने के लिए वो ठोकर आती है। कभी भी इंसान पत्थर की ठोकर से मरता नहीं है, क्योंकि पत्थर इंसान को चेतावनी देता है कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा के पैसों पर तुम राज करना छोड़ दो, तुम्हारे आप कमाई कीजिए और जिंदगी के अंदर आप सफल बनना सीखिए। दूसरों के पैसों के ऊपर खाना पीना ऐश करना और घमंड में रहना वो सच्ची बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कुंभकर्ण जैसा नहीं रहना चाहिए, हमेशा विभीषण जैसा सोच विचार रखना चाहिए। जैसे राम और लक्ष्मण रावण के भाई था तो भी वो विभीषण राम और लक्ष्मण के साथ में था, क्योंकि विभीषण और रावण के अंदर
रात दिन का फर्क था, इसलिए विभीषण जैसा आप बुद्धि रखी तो आपकी जिंदगी सफल रह सकती है। यदि आपने रावण और कुंभकर्ण जैसे अच्छा खाना पीना और सो जाना तब आपकी जिंदगी सफल नहीं हो सकती है। घमंड इंसान को बर्बाद कर देती है। अपने पर पैसे कमाने की इच्छा रखिए, इसलिए हम हमेशा एडोस के अंदर वीडियो बनाते हैं। जो आज बोल रहा हूँ ये वीडियो करीबन 4-5 सालों में आपको बहुत बहुत आपको टेंशन देने वाला है, क्योंकि हम हमेशा के लिए एडवांस वीडियो बनाते थे हैं, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कैसे होने वाला है और क्या होने वाला है। हम हमेशा एडवांस के अंदर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए हम रोज़ मेहनत करते हैं। हम मेहनत करते हैं, मेहनत हम के लिए रंग लेके आती हैं और हमारा जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, हम हमेशा के लिए सोना माटी एक समान, चाहे संत होता है उसके सामने सोना और चांदी और मिट्टी एक समान रहती हैं, क्योंकि संत को कोई चीज़ की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई, प्रेम से जीना सीखो, किसी से लड़ना मत सीखो, ये है जिंदगी छोटी सी, कभी दोबारा मिलने वाली नहीं है। अंतर्गत में प्रभु का नाम हमेशा लेना चाहिए। प्रेम में छिपा परमात्मा वह सत्य व्यापक हैं। हमेशा करे ईश्वर की आराधना, हमेशा अपने विचार को सद्भावना से जीना सीखिए और अपने परिवार का फुल सपोर्ट कीजिए और मेहनत जरूर कीजिए। अपने माता पिता भाई बहन की फुल सपोर्ट कीजिए और अपने आप पर अपने बल पर पैसा कमाना सीखिए। दूसरों का पैसा खाना वो अच्छी बात नहीं है। मेहनत करेंगे तो मेहनत आपके रंग लेके आने वाली है। यदि आपने कुछ भी नहीं किया है तो वो कुछ काम का नहीं। सभी को बनाए मजबूत, मुक्ति हो जाएगा आपका सब कुछ काम। हम हमेशा अच्छी अच्छी वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हम जोश के अंदर वीडियो ही हमेशा बनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन मेरा वीडियो तो देखते हैं बट मेरा कौन भी सपोर्ट नहीं करता। आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि राम चमकते भानु समाना है, क्योंकि हमारा चेहरा मुस्कुराता है। करनी और करनी में इतना ही फर्क है। करनी घर बनाने में काम आती है और इंसान कौन भी करनी से काम नहीं करता है वो हमेशा दिल से हार जाता है, क्योंकि वो दूसरों के भरोसे में काम करता है। अपने बल पर हमेशा काम करना सीखिए। अपने दिल को हमेशा साफ रखना चाहिए। साफ रखेंगे तो आपका हमेशा काम सफल हो सकता है। कामना से मुक्त हो भावना रखिए। ज्ञान ही वह धुरी है जिस पर अष्ट वर्थ गीता का सारा विस्तार टीका हुआ है। जीवन में ज्ञान का उदय बोध का उदय अंतर मन है, के तमस में प्रकाश की क्रांति है, केवलीय का सूत्र पात्र है, मोक्ष की मुमुक्षा का जागरण है। अष्टावरक वर्क एक और ज्ञान के उदय को जीवन का अमृत वरदान मानते हैं। वही दूसरी और ज्ञान के विस्मरण को मुक्ति का राजद्वार। ज्ञान के विस्मरण से ही आत्मज्ञान का उदय होता है। किताबी ज्ञान का विस्मरण हो, मतादंतरों का विस्मरण हो, भ्रम संयमों का विस्मरण हो, नए और आग्रहों का विस्मरण हो,
बाहर के ज्ञान से हमारी चेतना दबी जा रही है। किताबों को पढ़ पढ़ कर हमने अपने आप को भुला दिया है। ज्ञान वही है जो हमें अपनी पहचान करवाए, जिससे हम अपने आप को जान सके। वह ज्ञान है जिसके कारण हम अपने आप को भूल बैठे हैं, उसे तुम ज्ञान की संख्या कैसे दे सकते हो? वह तो एक प्रकार से अज्ञानी है, अज्ञानी है जो सवे के स्वभाव मूलक ज्ञान को जो ढक दे। अंत वह भारी है जो पत्थर निर्जर को फूटने से रोक दे, जो माटी कुए को प्रकट होने से रोक रखे। वह पत्थर वह माटी अंत हमें हटानी होगी, उससे मुक्ति होना होगा। व्यक्ति ने जाना है पहचाना है केवल किताबों को सिद्धांतों को, किंतु उसे तो हम अपरिचित ही रहे हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जिस दिन किताबें रोड पे आज बिकने लगेगी और कांच के शोरूम में चप्पल और जूते बिकने लगेंगे, उस दिन ये लाइफ स्टाइल की फैशन प्रत्येक व्यक्ति को दिमाग आधा कर देगी और अपने संस्कार को जला के राख कर देगी। ये पहले भी हमने हमारे बुजुर्गों ने बोला था और आज पीछे हम भी बोलने जा रहे हैं, क्योंकि एक जमाना ऐसा था छोटी छोटी दुकानों के अंदर बुक्स धार्मिक की बिकती थी और हमेशा घर और स्कूलों में हर धर्म हर प्रकार की बुक्स व्यवस्थित थी और हमेशा के लिए रोजाना सुबह और शाम हर व्यक्ति हर समय पढ़ते थे। और आज रोड के कोने में किताबें कचरे के अंदर पूरी और पूरी जा रही हैं। अच्छी अच्छी सब कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, धार्मिक बुक्स पूरे कचरे के बॉक्स में जा रहे हैं और जूते बड़े बड़े कांच के शोरूम में लटकते रहे हैं, क्योंकि पपले की बुद्धि भ्रष्ट हो गई हैं। क्योंकि ये लाइफ स्टाइल संस्कार को जला चुकी हैं और ये लाइफ स्टाइल उसके बाप और उसके दादा ने करोड़ों अरबों पैसे तिजोरी के अंदर भरा है और वो उसके संस्कार के जला चुका है, अभी उसकी लाइफ को जलाने जा रहा है। ये चैलेंज के सामने बोलता हूँ, यदि आपने ये लाइफ स्टाइल के अंदर जीना शुरू कर दिया है, कम से कम 4-5-6 साल के अंदर जो जो इंसान ये लाइफ स्टाइल जीने की कला सीखी है ना, वो सुई की तरह जो मैं बोलता हूँ आपको चुभती है और आने वाला समय में आपको तुम्हारी लाइफ स्टाइल ही तुम्हारे को बर्बाद करके राख करने वाली है। ये आपको मैं चुनौती देता हूँ, जो भी बोलता हूँ तुम लोगों के अच्छे के लिए ही बोलता हूँ, क्योंकि जो सच्ची बात होती है वो सबको बहुत मिर्ची जैसे चरखी और तिक्की लगती हैं, क्योंकि सबको सच्ची बात के ऊपर बहुत जलन होती हैं। जैसे आँखों के अंदर मिर्ची लगती हैं, वैसे ही तुम लोगों को जब मैं सच बात आपको सिखाने के लिए बोलता हूँ, तब आपको बहुत गलत भावना हो जाती है मेरे ऊपर। हम हमेशा संस्कार के अंदर सच्चाई बोलते हैं, हम किसी को दुरुपयोग में हम नहीं बोलते हैं। जैसी करनी है वैसी भरनी, जो हमारा अपना सत्व है अस्तित्व है, किताबी ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शक अवश्य हैं, मगर हम मार्ग पर चलने की बजाय मार्ग के केवल नक्शों को ही बटोर कर रख देंगे। बैठे बैठे केवल मेल के पत्रों को ही
गिन बैठे तो इससे मंजिल मकसूद नहीं हो सकती। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की साध्य वेला में जब मौत हमारी डगर पर आए तो हम परिचित से परे हो कि मैं मुंड जो अन जाना रहा अपने आप से न रहे खुद से अनजान। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं सच्चा विचार रखो आपकी जिंदगी जिंदगी पर अच्छी रह सकती है। तैन ज्ञान फल प्राप्त योगा अभ्यास से फल तथा तप्त स्वेच्छा नृत्य आप हमेशा सद्भावना रखिए। सुबह 6 बजे उठिए योगा कीजिए थोड़े बहुत घूमिए और अपने माता पिता दादा दादी भाई की सेवा कीजिए आपको हमेशा के लिए मेवा मिलने वाली है। यदि आपने कुछ भी नहीं किया कमेंट के अंदर जिंदगी जिया तो आपकी जिंदगी 100% बर्बाद हो सकती। चैलेंज के सामने कहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद जय भारत।